पनवाड़ी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बीते दिनों निस्वारा के साईं बाबा मंदिर में हुई चोरी का किया खुलासा। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के निस्वारा का है मामला, जहां बीते दिनों चोरों ने पुजारी की मिली भगत से साईं बाबा मंदिर में मुकुट चोरी किया था, जिसमें क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ उमेश चंद्र द्वारा कड़े तेवर करते हुए सख्त आदेश दिए गए थे कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए, जिससे क्षेत्र में ऐसी घटनाएं आगे ना हो सके, जिसको लेकर पुलिस ने सक्रियता दिखाई और चोरों को पकड़ने में कामयाब हुई। बता दें कि इस चोरी की घटना में पनवाड़ी पुलिस और सर्विस लॉयंस की लगी हुई थी, जिसमें आज बड़ी सफलता मिली है। तो वहीं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ उमेश चंद्र ने बताया कि पनवाड़ी थाना क्षेत्र के निश्वारा गांव में साईं बाबा के मंदिर से पुजारी की मिली भगत से चोरों ने मुकुट चोरी किया था, जिसमें सर्विस लाइन्स और पनवाड़ी पुलिस की एक टीम लगाई गई थी, जिसमें आज बड़ी सफलता मिली है और पुजारी और दोनों चोरों को जेल भेज दिया है। और बताते चले कि पनवाड़ी पुलिस की सफलता से क्षेत्र में चर्चा हो रही है। सर, चोरी घटना का खुलासा हुआ, क्या आप सर पूरा घटनाक्रम रहा और सर कितने आरोपी भेजे गए? दिनांक 6-7 अगस्त को निस्वारा गांव है, थाना परवाड़ी में पड़ता है, जिसमें श्रीनी साईं बाबा का मंदिर है, जहां से मुकुट चोरी हुआ था, तो उस पर थाना परवाड़ी द्वारा अनावरण किया गया है, जिसमें दो बदमाश पकड़े गए हैं। एक अमित खटीक है, सनोप पेशकार, ये कुशमरा का रहने वाला है मैनपुरी, और दूसरा है राहुल खटीक, ये पूंछ का रहने वाला है झांसी का। इन दोनों को पकड़ा गया है पुलिस द्वारा अथक प्रयास करके, और इसमें पुजारी की भी मिली भगत है, पुजारी और ये तीनों को आज जेल भेजा जा रहा है और मुकुट की बरामदगी हो गई है। सर कितना माल बरामद हुआ? मुकुट एक चोरी हुआ था, वही बरामद हुआ है। थाना पनवाड़ी में 6/7 की जुलाई की रात को एक मंदिर से मुकुट चोरी हो गया था। उस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें उसमें पुजारी को उन्होंने कुछ नशीली गोलियां भी दी थी, जिसके संबंध में 328 और 379 IPC के अंतर्गत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें दो टीमें लगाई गई थी, हमारी सर्विलांस की टीम और हमारी थाना की टीम। इन टीमों को सफलता प्राप्त हुई और इसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से जो है वो मुकुट बरामद हो गया है। ये व्यक्ति झांसी और मैनपुरी के रहने वाले हैं, जो अपने यूकलिप्टस के पेड़ काटने के सिलसिले में मंदिर कैंपस में आए थे, जहां उनका पुजारी से परिचय हो गया। पुजारी भी इस षड्यंत्र में शामिल रहा है, उनके साथ जो मुख्य पुजारी हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार कुल जो है 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी और 100% माल की बरामदगी की गई है। नहीं, ये जो पुजारी है उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, जो शेष दोनों व्यक्ति उनके आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। अपडेट मीडिया के लिए पनवाड़ी से संदीप कुमार की रिपोर्ट।